लास्ट पीरियड में हमने कॉर्नरी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का एक प्रॉब्लम देखा था, कुछ प्रॉब्लम और देखेगी उसके, और उसके बाद फिर तुमको असाइनमेंट के फॉर्म में उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने दिए जाएंगे। तो लेट अस कंसीडर द सेकंड प्रॉब्लम, रूट ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स। तो पहले स्टेप में जैसे कि हम जानते हैं इसको y कंसीडर कर लेगी, रूट ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स। अब ये फंक्शन को जब हम रीड कर रहे हैं तो इट इज़ y इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स। सबसे पहले पढ़ने में रूट आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन अगर रूट ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, बराबर। x के जगह जो पार्ट है वो हमारे लिए कंपोजिट पार्ट हो गया, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा लेट log of tan of x equal to u, so therefore ये फंक्शन हो जाएगा y equal to root of u and u equal to log of tan of x। अब ये तो ठीक है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ u हो गया, लेकिन u इक्वल टू है log ऑफ tan ऑफ x। अगर ये log ऑफ x होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, मतलब ये भी कंपोजिट पार्ट है। कंपोजिट पार्ट कौन सा है? tan x। इसलिए यहाँ लिखेंगे पुटिंग tan x इक्वल टू v, तो अब ये पूरा कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा y इक्वल टू रूट ऑफ u कॉमा u इक्वल टू log v एंड v इक्वल टू हो गया tan ऑफ x। इसका मतलब ये हो गया y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो y इज़ अ फंक्शन ऑफ u है, इसलिए यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u, यहाँ मिलेगा dy by du इक्वल टू d by du ऑफ रूट u। हमें पता है कि d by dx ऑफ tan x क्या होता है, d by dx ऑफ रूट x क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। तो d by du ऑफ रूट u हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ u, बराबर। और u हमने किसके जगह कंसीडर किया था, log ऑफ tan x के जगह, वो भी पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ log ऑफ tan ऑफ x। ये वैल्यू dy वाई बाई डी यू की हो गई, इसीलिए ये मेरे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। उसके बाद सेकंड पार्ट अगर देखें तो u इज़ अ फंक्शन ऑफ v है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v। तो इधर मिलेगा du यू बाय डी वी इक्वल टू d by dv of log v, अगेन d by dx of log x 1 by x होता है, तो d by dv of log v हो जाएगा 1 by v, और v हमने किसके जगह लिखा था, देखो इधर में tan x के जगह, तो इसका आंसर आ गया 1 by tan x। ये वैल्यू हो गई du by dv की, ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 2। फाइनली v इज अ फंक्शन ऑफ x है, इसीलिए इसके लिए लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ मिलेगा डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ tan x, एंड डेरिवेटिव ऑफ tan x होता है sec square x। ये हो गई डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू, जो कि हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो इस तरह से हमने dy by du फाइंड आउट कर लिया, du by dv फाइंड आउट कर लिया, dv by dx फाइंड आउट कर लिया, जिसको हमने रिस्पेक्टिवली इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। उसके बाद में आगे हम लिख सकते हैं बाय चेन रूल, फॉर्मूला हमें पता है dy by dx इक्वल टू क्या है, dy by du
इंटू डी यू बाय डी वी इंटू डी वी बाय डी एक्स, बराबर। फिर डी वाई बाय डी यू की वैल्यू इक्वेशन वन में प्रेजेंट है, वो पुट कर लेते हैं, सो इट इज़ वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स इंटू डी यू बाय डी वी की वैल्यू है वन अपॉन टैन एक्स इंटू डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू है सेक्स स्क्वायर एक्स। और आखिरी स्टेप में अब इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो ऊपर में वन इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर में आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और अपॉन में आएगा टू इंटू, यहाँ लिख लेते हैं पहले टैन एक्स इंटू रूट ऑफ लॉग ऑफ टैन एक्स एंड दैट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ डी वाई बाय डी एक्स। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन में उसके कॉरलरी का यूज़ करके, उसकी कॉरलरी है, कॉरलरी का यूज़ करके अगर दो से ज़्यादा कंपोजिट फॉर्म में फंक्शन दिए होंगे तो उसका भी डेरिवेटिव हम चेन रूल का यूज़ करके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार प्रॉब्लम को देख लो दो मिनट, फिर मैं उसको अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देख लो फिर से, रूट ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो हमने y इक्वल टू रूट ऑफ लॉग ऑफ टेन एक्स ये पार्ट कंसीडर कर लिया, इसको y कंसीडर कर लिया, इसको जब मैं रीड कर रहा हूँ तो y इक्वल टू रूट ऑफ रूट, पहले रूट पढ़ने में आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन रूट ऑफ x के जैसा है। अगर ये रूट ऑफ एक्स के जगह है तो हमें देखना है एक्स के जगह क्या है, एक्स के जगह है लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स, तो ये हमारा पहला कंपोजिट पार्ट हो गया जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं यू, तो हमें मिल गया वाई इक्वल टू रूट ऑफ यू एंड यू इक्वल टू लॉग ऑफ टैन ऑफ एक्स। अब मैं इसको रीड कर रहा हूँ, यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स होता तो स्टैंडर्ड फंक्शन होता, एक्स के जगह यहाँ टेन एक्स है, मतलब ये कंपोजिट पार्ट हो गया, तो इस सेकंड कंपोजिट पार्ट को मैं कंसीडर कर रहा हूँ वी। ऐसा कंसीडर करते ही अब मुझे क्या मिला, देखो वाई इक्वल टू रूट ऑफ यू कॉमा यू इक्वल टू लॉग ऑफ वी एंड वी इक्वल टू क्या है टेन ऑफ एक्स, इसका मतलब वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ यू कॉमा यू इज़ अ फंक्शन ऑफ वी कॉमा वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। इस तरह से y u का फंक्शन, u v का फंक्शन और v हो गया x का फंक्शन, तो y u का फंक्शन है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u कर लिया तो dy वाई बाई डी यू की वैल्यू मिल गई d बाई डी यू ऑफ रूट यू, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है 1 बाई टू रूट एक्स, तो d बाई डी यू ऑफ रूट यू हो जाएगा 1 अपॉन टू रूट यू, और u के जगह वैल्यू पुट कर ली और जो आंसर मिला उसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर u इक्वल टू लॉग v है, मतलब u इज़ अ फंक्शन ऑफ v है, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v किया तो यहाँ डी यू बाई डी वी मिल गया, और इधर आएगा d बाई डी वी ऑफ लॉग v, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लॉग x 1 बाई एक्स होता है तो d बाई डी वी ऑफ लॉग v हो जाएगा 1 बाई वी एंड v के जगह हमने पुट कर लिया tan x, तो d u बाई डी वी की वैल्यू मिल गई 1 बाई tan x, जो कि हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2 होगा। उसके बाद में v इक्वल टू टेन एक्स है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लिया तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स एंड टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, जो कि डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है, वो हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 3। फिर चेन रूल का कंपोजिट फंक्शन की कॉरलरी अप्लाई किया, डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। उसके बाद dy वाई बाई डी यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर ली, डी यू बाई डी वी की वैल्यू इक्वेशन 2 से पुट कर ली, डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट कर ली और फाइनली इसको सॉल्व करके लिख लिया, इसमें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो अरेंज करके प्रॉपरली लिख लिया है, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ dy वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम इसका थर्ड प्रॉब्लम देखने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। सो इट इज से tan ऑफ रूट ऑफ x, ठीक है। तो एज यूजुअल पहले स्टेप में y इक्वल टू tan ऑफ रूट ऑफ cot x। जब मैं इस फंक्शन को रीड कर रहा हूँ तो y इक्वल टू tan ऑफ x होगा, तो स्टैंडर्ड फंक्शन है। ऑफ के बाद में अगर x आता है रीड करते समय, tan ऑफ x होगा तो स्टैंडर्ड फंक्शन। x के जगह जो टर्म है वही हमारा कंपोजिट पार्ट होता है, तो इसीलिए उसको कंसीडर कर लेने का u। सो लेट रूट ऑफ cot x इक्वल टू कंसीडर कर लिया u, तो इट बिकम्स y इक्वल टू tan u एंड u इक्वल टू रूट ऑफ cot x। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बट u इक्वल टू रूट ऑफ cot x, अगेन रूट के बाद में रूट ऑफ पढ़ते समय x नहीं आया, रूट ऑफ cot x आ गया, मतलब यहाँ cot x कंपोजिट पार्ट हो गया। इसीलिए लेट या पुटिंग cot x के जगह भी कंसीडर कर लेते हैं, तो अब तुम्हें मिलेगा y इक्वल टू tan ऑफ u कॉमा u इक्वल टू रूट ऑफ v एंड v इक्वल टू cot ऑफ x। फिर इसको देखे ऑब्जर्व करें तो समझ में आता है कि y इज़ अ फंक्शन ऑफ u, u इज़ अ फंक्शन ऑफ v एंड v इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के लिए लिख सकता हूँ, देखो लिखा है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू, तो इधर मुझे मिलेगा डी वाई बाय डी यू इक्वल टू डी बाय डी यू ऑफ टैन यू, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स का फॉर्मूला क्या है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो डी बाय डी यू ऑफ टैन यू हो जाएगा सेक्स स्क्वायर यू, एंड व्हाट इज इन प्लेस ऑफ यू, यू हमने कंसिडर किया था इसके जगह, सो दैट गिव्स यू सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ cot x, और ये हमारे लिए होगा इक्वेशन नंबर वन। ये वैल्यू होगी डी वाई बाई डी यू की, राइट। उसके बाद u इज अ फंक्शन ऑफ v है, तो इसके लिए लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो इधर मिलेगा डी यू बाय डी वी इक्वल टू डी बाय डी वी ऑफ रूट वी, डी बाय डी एक्स ऑफ रूट एक्स होता है वन बाय टू रूट एक्स, तो इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू रूट वी, एंड व्हाट इज वी, इट इज cot x, तो इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ cot x, राइट। ये डी यू बाय डी वी की वैल्यू जो कि हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर टू। एंड फाइनली v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं, डी वी बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ cot x, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इट इज माइनस cosec स्क्वायर x। ये फॉर्मूले तुमको लर्न कर लेने हैं, इसके बगैर डेरिवेटिव समझ में नहीं आएगा। तो डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस cosec स्क्वायर x, और अब फिर फाइनल स्टेप की तरफ आ रहे हैं, यहाँ लिखेंगे बाय चेन रूल डी वाई बाय डी एक्स का फॉर्मूला लिखो, डी वाई बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी वी इंटू डी वी बाय डी एक्स। डी वाई बाय डी यू की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर वन में दिखाई दे रही है, वो वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो इट इज सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ cot x, डी यू बाय डी वी की वैल्यू इक्वेशन टू में है, तो इट इज वन अपॉन टू इंटू रूट ऑफ cot x इंटू डी वी बाय डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर थ्री में है,
and that is minus cos x square x बराबर। और अब इसमें कुछ कैंसलेशन तो हो नहीं रहा है, प्रॉपरली अरेंज करके लिखना ही होगा, प्लस प्लस और माइनस, इसका आंसर माइनस में आएगा, आंसर आएगा पहले लिख लेते हैं cos x square x into sec square of root of cot x और अपॉन में आएगा 2 into root of cot x। अब यहाँ ज़्यादा होशियारी बताने का नहीं, रूट ऑफ कॉटेक्स और रूट ऑफ कॉटेक्स को कट करने का नहीं, हमेशा की तरह बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग जगह पे रख के सॉल्व करेगा, ये कैंसिल नहीं होता है, ये सेक्स स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ कॉटेक्स है और ये सिर्फ रूट ऑफ कॉटेक्स है, इसका कैंसिलेशन नहीं होगा, सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस तरह से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी। तो इस तरह से एक से ज़्यादा अगर कंपोजिट फंक्शन हो गए तो उसको चेन रूल का यूज़ करके हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं तुमको ऐसे ही टाइप के कुछ प्रॉब्लम असाइनमेंट के फॉर्म में दे रहा हूँ, और जैसे कि सर ने आपको इन्फॉर्म किया है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए होमवर्क की 300 पेजेस की कॉपी बनाना है, बराबर है, और उसमें ये सारे जो प्रॉब्लम असाइनमेंट के फॉर्म में दिए जा रहे हैं उसको सॉल्व करके देखना ही है, ठीक है, और इससे तुम्हारी प्रैक्टिस होगी अच्छी, और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुमको आसानी भी होगी। नाउ ई टू द पावर साइन ऑफ एक्स क्यूब, ये पहला प्रॉब्लम है, देन टू टू द पावर कॉस ऑफ रूट एक्स, ये थर्ड प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम नंबर 5 हो गया एक्चुअली वो, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है रूट ऑफ टैन ऑफ sec x, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है रूट ऑफ sin ऑफ cos ऑफ x, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है log of sec of e to the power x then next problem is 5 to the power root of cos x then next problem is tan of log of sin x then next problem is sec of cosec of pi to the power x and the last one is e to the power tan of e to the power x, ठीक है। इतने प्रॉब्लम तुमको असाइनमेंट के फॉर्म में करके देखने के हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर जो अपना रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी हमने कंपोजिट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन या चेन रूल का यूज़ करके ऐसे टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेथड देखी है। अब हम इन्हीं फंक्शन का डायरेक्ट डेरिवेटिव कैसे लेना है वो नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए नेक्स्ट पीरियड भी तुम्हारे लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा, ओके।